सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार और मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पिछला मेरा 8 साल का कैरियर रहा है मेरे को पालमपुर प्रेस क्लब की जितने भी सदस्य हैं उनसे मेरे को हमेशा ही बहुत अच्छा सहयोग रहा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसके लिए भी शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मीटिंग का उद्देश्य ये रहा है कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश में 7 विधानसभा की जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को भंग किया गया है और उसके संदर्भ में, और जो 16 भी उनमें से एक है उसके संदर्भ में बार बार जो है वो सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने समझा कि क्यों ना आप लोगों के साथ बैठ करके इस विषय के ऊपर खुल करके बातचीत की जाए, तो इसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि अभी पिछले 2-3 दिन पहले मेरे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अखबारों के माध्यम से पता लगा है कि जो 7 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ भंग की गई हैं उसमें 16 भी है। और जो अखबारों के माध्यम से पता लगा कि जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से ये पूछा गया ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को भंग किया गया, तो उन्होंने अपनी इसमें अनभिज्ञता जताई, तो थोड़ा हमारे को इसमें आश्चर्य है क्योंकि हमारा जो इमीडिएट बॉस होता है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर तो वो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो भी स्टेटमेंट दी होगी वो सही की होगी। जहां तक मेरा सवाल है, मैं जो पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला है उसको स्वीकार करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ, और साथ में ये भी है कि जो भी उन्होंने फैसला लिया है चुनावों के संदर्भ में अच्छा फैसला लिया होगा, कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए फैसला लिया होगा। लेकिन मैंने पहले भी जो आप लोगों ने मेरे से पूछा था तो उस वक्त मैंने ये बताया था कि एक सामान्य प्रक्रिया है, अध्यक्ष को हटाना, कार्यकारिणी को भंग करना प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन ये एक समय उचित नहीं था। ये कार्रवाई जो है कम से कम 6 महीने 1 साल पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त जो नया अध्यक्ष बनेगा, जो भी बनेगा उसको मेरी एडवांस में उनको शुभकामनाएं, लेकिन उनको मेरा ख्याल है कि 1 महीने के अंदर अंदर आचार संहिता लगने वाली है, तो उस समय में क्या वो अपनी कार्यकारिणी बना पाएंगे या पूरी कंस्टिट्यूंसी में घूम पाएंगे, क्योंकि 16 जो विधानसभा क्षेत्र है वो हिमाचल का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और 1 लाख से ज़्यादा उसमें वोट हैं, सबसे ज्यादा बूथ 130 बूथ जो है 16 विधानसभा क्षेत्र में है। तो जो भी आगे बनेगा मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मेरा एक जो जितनी मैंने अपनी निराशा व्यक्त की है वो इसी संदर्भ में कि ये उचित समय नहीं था, अगर पहले करते तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी जो पार्टी हाईकमान का फैसला है वो मेरे को मंजूर है। जो भी इसके बाद में आपके सवाल होंगे, बीच में हमारे साथ जितने साथी बैठे हुए हैं जो पूर्व की जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी थी उसके इस वक्त भंग कमेटी के सारे कार्यकर्ता हैं, और जिनमें से इस वक्त जो श्री बालकृष्ण कपूर जी हैं वो इस वक्त प्रेजेंट में पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी हैं, और श्री सीताराम सैनी जी हैं वो इंटर के इस वक्त महामंत्री हैं, और इसके अलावा जो कमेटी है वो भंग है। तो मैं बीच में जो श्री बालकृष्ण कपूर वो भी अपना पक्ष रखेंगे, और मेरे इसके बाद जो भी आपसे मेरे आपसे जो सवाल होंगे, जो भी आप सवाल करेंगे उसके मैं आपको जवाब दूंगा। मैं अभी बालकृष्ण कपूर जी को अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपने वक्तव्य रखें। सर्वप्रथम मैं पूरे प्रेस क्लब का आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में बड़ा गर्व होता है पालमपुर के प्रेस क्लब को देख करके कि आप लोग बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से जो है वो अपनी हमारी बात को रखते हैं। मेरा बड़ा अच्छा अनुभव है क्योंकि मैं जब यूनियन में रहा तब भी आप लोगों का सहयोग मिला, तो इसके लिए और आज के ज़माने में जबकि प्रेस के ऊपर कई एलिगेशन लगते हैं, लेकिन आप लोग इतनी निष्पक्षता से काम करते हैं और आप एक छोटे से हमारे अनुरोध पर यहाँ पर आए हैं, इसके लिए भी दिल के गहराइयों से मैं प्रेस क्लब पालनपुर के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 16 थी उसका एक ही एम था कि किसी तरह से हम लोग जो हैं वो इस बार चुनाव जो है वो 16 में कांग्रेस पार्टी जीते।
सबसे बड़ी बात ये थी कि जितने भी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कई जगह वो खुद भी कैंडिडेट के उस उम्मीदवार हैं, लेकिन अरुण राणा ने कभी भी अपना व्यक्त नहीं किया कि मैं कोई कैंडिडेट हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से या कोई भी। एक मकसद था, पिछले एक वर्ष से ब्लॉक कांग्रेस 16 ने मैंने देखा है कि एक वर्ष में मैं क्यों सहयोगी रहा हूँ कि एक वर्ष में कई मीटिंगें जो हैं, कम से कम 5 हमने बड़ी सभाएं तुला के अंदर की जो सक्रिय किया सुला की कांग्रेस को, और उसी वक्त से कुछ लोग जो थे वो ब्लॉक कांग्रेस के पीछे पड़ गए। मुझे ये समझ नहीं आता कि वर्तमान समय में हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, तो उसमें सहयोग करने के बजाय कुछ लोगों ने लेग पुलिंग शुरू कर दी। इससे व्यापक रिजेंटमेंट है, मेरे पास कम से कम सैकड़ों फोन आए लोगों के, अपने मित्रों के, पुराने हमारे कार्यकर्ता जिनके, ऐसे समय में जब एक महीने का समय बचा है, 130 ब्लॉक हैं, अपने बूथ हैं हमारे सुला चुनाव क्षेत्र के अंदर, 86-87 पंचायतें हैं, तो इतने बड़े इस ढांचे को एक आदमी एक अगर आप बदलना था तो पार्टी का ये तो प्रेरोगेटिव है, पार्टी का विशेषाधिकार है कि वो बदले, लेकिन इसका मतलब ये था कि वो एक ऐसे समय में ये जो है एक गाज गिरी सुला कांग्रेस के ऊपर, और अब किस प्रकार से बाकी के जो कार्यकर्ता है वो जो डिफंक्ट बॉडी है वो किस प्रकार से कार्य करेगी, किस प्रकार से चलेंगे, किस प्रकार से आज मेंबरशिप का अभियान था, दूसरे अभियान थे उनको पूर्ण किया गया, तो ये हमारी चिंता है, हमारी चिंता, और हम इस चिंता को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाना चाहते हैं, और बड़ा स्पष्ट है हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आपने जो ये निर्णय लिया है ये किसी भी हालत में सुला कांग्रेस के हित में नहीं है, और इसका प्रभाव जो है वो दूरगामी होगा, इसका प्रभाव पूरे जिला में पड़ेगा, सुला के अंदर जो अशांति, आपको पता कि एक बहुत बड़ा चुनाव क्षेत्र जिसमें 1,00,000 से ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो एक्स-एम मंत्री हैं और वर्तमान में स्पीकर हैं उनके साथ हमारी लड़ाई है, तो ऐसे समय में अगर कमजोर किया जाएगा सुला कांग्रेस को और एक दो लोगों की ही बात सुनी जाएगी पार्टी के अंदर, अगर एक दो लोग ही सुप्रीम रहेंगे, जो लोग 4 वर्षों तक सोए रहते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो खड़े हो जाते हैं कि जी अब हमें आप मेरा काम करो आप चलाओ, हम तो कहते हैं कि वो मीटिंग ले आएंगे तो पार्टी काम करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी को अगर पार्ट, और सबसे बड़ी बात ये है कि ब्लॉक कांग्रेस सुला को कांगड़ा ब्लॉक के साथ निकाला गया, जबकि ब्लॉक कांगड़ा जो है वो तो ऑटोमेटिकली उसकी तो जरूरत थी क्योंकि वहां का विधायक जो था वो छोड़ के चला गया पार्टी, तो उस ब्लॉक के साथ सुला को भी साथ में लिया गया और पूरे की पूरी कमेटी को भंग किया गया। इसका हमें बड़ा गहरा दुख है और हम पार्टी हाईकमान से ये अनुरोध करते हैं कि पार्टी हित में इस फैसले को इमीडिएटली वापस लिया जाए, ताकि सुला में कांग्रेस जो है वो जो कार्यक्रम सुला में चले हैं, अभी आपने देखा कि हमने कितना बड़ा कार्यक्रम युवाओं का सुला के अंदर किया जिसमें लगभग 400 युवाओं ने बाइकों के ऊपर तिरंगा यात्रा निकाली, इस प्रकार से कई कार्यक्रम सुला के अंदर हमने बूथ लेवल पर स्टार्ट किए, और महिलाओं के सम्मेलन किए, बंगाई के विरुद्ध सम्मेलन किए, कम से कम 5 बड़े सम्मेलन जो है वो सुला में कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस ने किए हैं, और मैं समझता हूँ कि अरुण राणा की बड़ी आवश्यकता है, हम सब जितनी भी कार्यकारिणी है उसकी आज आवश्यकता है, और अपमानित करके अगर किसी व्यक्ति को पार्टी समझती है कि इससे फायदा होगा तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा फायदा होगा, इसलिए हमारा अनुरोध है पार्टी हाईकमान से कि पुनर्विचार करे, कई मामलों के ऊपर पार्टी पुनर्विचार करती है, और अगर किसी आदमी ने पार्टी हाईकमान को गलत फीडबैक दी है तो कम से कम जो ऑब्जर्वर है वो पता करें कि ब्लॉक कांग्रेस किस प्रकार से काम कर रही है। मैं समझता हूँ सब चीजों के ऊपर पार्टी हाईकमान विचार करेंगे और इस फैसले को जो है वो शीघ्र बदला जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद। आगे जो एक बात कही कि 4 साल सोए रहते हैं और अब आगे आते हैं और उनकी सुनी जा रही है, आपने सीधा सीधा आरोप केजरीवाल के तो देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया इसमें अभी तक, जब समय आएगा तो हम सारी चीजें पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें इनर फाइटिंग से हारी, कांग्रेस पार्टी 6 सीटों के ऊपर एक दूसरे को हराया, तो हम समझ नहीं समझते आज हमें बड़ी आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को सुदृढ़ करने की पूरे देश के अंदर, ताकि जो बेरोजगारी महंगाई और दूसरे मुद्दे हैं उनके विरुद्ध लड़ा जा सके, संगठित होकर लड़ा जा सके, आज तोड़ने की जरूरत नहीं है जोड़ने की जरूरत है, और मैं यही समझता हूँ कि अगर इस प्रकार से कार्य करेंगे तो मैं निश्चित रूप से इससे पार्टी को नुकसान। क्या आप मानते हैं कि जो फोरम में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे या फोरम में जो कांग्रेस के विधायक रहे 16 से,
उनके सामने कुछ दावेदार उभर कर सामने आए हैं, उसी का परिणाम है कि ब्लॉक कांग्रेस को भंग किया गया। देखिए एक बात है कि दावेदारी करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। जो पार्टी का प्राइमरी मेंबर है, प्राथमिक सदस्य है, वो भी दावेदारी कर सकता है। बदलाव समय की आवश्यकता होती है, आप लोगों को पता है कि बदलाव आवश्यक होता है। आपने दूसरी पार्टियों के अंदर भी देखा कि वहां पर आज भी मैं पढ़ रहा था कि कम से कम 30 जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं। तो बदलाव तो समय की आवश्यकता होती। किसी आदमी अगर मैं ये क्लेम करूं मैंने 35-34 साल सरकारी सेवा की, अगर मैं ये बोलूं कि अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मेरा काम हो गया मैं, तो ये तो कोई संभव नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं, अगर उनको भी टिकट मिलता है तो ब्लॉक कांग्रेस ने कभी उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं किया। जो आपने बदलाव की बात कही है, तो कहीं ये बदलाव की जो एक बात होती थी ब्लॉक कांग्रेस में, यही कारण बना है कि जो वर्तमान या निवर्तमान जो कार्यकारिणी थी उसको भंग कर दिया गया। देखिए ये कारण तो पार्टी हाईकमान बता सकता है कि क्या उनको ऐसा लगा। लेकिन अगर कोई आदमी पार्टी का काम कर रहा है, अगर मैं भी उम्मीदवार हूँ तो मैं भी तो कांग्रेस के लिए ही काम कर रहा हूँ। अगर कोई भी आदमी उम्मीदवार है तो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, इससे कांग्रेस सुदृढ़ हो रही है। वो बगावत थोड़ा कर रहा है। अगर कोई आदमी बगावत कर रहा है तब तो ठीक है। अगर वो पार्टी के लिए काम कर रहा है, और जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और सभी यही कह रहे हैं कि जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ चलेंगे। ब्लॉक कांग्रेस ने बार बार कहा कि जिसको पार्टी हाईकमान टिकट देगा उसके साथ चलेंगे। इस लॉबी में सुला से बाहर के एक दिग्गज कांग्रेस नेता का नाम आ रहा है कि जो लॉबिंग की गई है अरुण राणा जी और कार्यकारिणी को हटाने के लिए, एक कांग्रेस का जिला कांगड़ा से संबंधित दिग्गज नेता शामिल है। देखिए ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का, ये कुछ लोग जो हैं वो कुछ पदों पर रह करके भी बार बार, कई बार उनकी लॉयल्टी कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ, कुछ ऐसा हम सुनते रहे। पिछले लगभग 1.5-2 महीना हो गया जिसमें रोज आता था कि आज अरुण राणा बदल गया, जबकि जब काम कर रहे हैं हम इस समय तो एक समूह होकर के लड़ने का समय है। आज आप देख रहे हैं कि जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे प्रधान रहे हैं, दूसरे पदों के ऊपर रहे हैं, इतने वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो ये इस चिंता को लेकर के यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से गलत काम करेगा, हम इसको अभी इस विषय में पूरी जानकारी तो प्राप्त करेंगे और आपके सामने फिर सम्मुख होंगे अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो। अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो दोबारा भी हम इस विषय में बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस विषय में सारी जानकारी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अभी इसका ब्लॉक कांग्रेस की कार्यकारिणी कब गठित हुई थी? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी जब सारे ब्लॉकों की हुई थी तभी हुई थी, साथ ही पूर्व विधायक का कहना है कि सुला कांग्रेस कमेटी जो भंग की गई है वो कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतक सम्मेलन में फैसला लिया था कि 5 सालों से ऊपर जो कमेटी होगी वो भंग कर दिया जाएगा। और ना साथ में ये भी माना है कि कुछ पिछले दिनों से मनमुटाव तुम्हारा चल रहा था, तो क्या मनमुटाव पीछे है कि आत्मचिंतन इसका सम्मेलन? ऐसा है कि मैंने अखबार के माध्यम से ये पढ़ा था। पहला सवाल आपका ये था कि बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है कि जो उदयपुर आत्मचिंतन हुआ था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जिसके भी कार्यकाल जो 5 साल हो गया उसको हटा दिया जाएगा। मैं उदयपुर चिंतन में जो भी फैसले लिए हैं उसका मैं सम्मान करता हूँ, और जो दिशा निर्देश मिले हमें उसका अभी इस वक्त जो अमल किया है मेरे लिए बिल्कुल वो मंजूर है। लेकिन जो इस वक्त मैं जो कार्यकारिणी बनी और मैं पद पर हूँ, मैं 22-7-2020 से, लेकिन अगर मेरा कार्यकाल पिछला जोड़ा जाए तो मेरा 8वां साल चला हुआ है। लेकिन अगर ये प्रदेश के और उदयपुर चिंतन का फैसला है तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आसपास के अगर आप लोग देखेंगे उसमें 15-15 साल से जो अध्यक्ष हैं वो इस पद कार्यरत हैं। तो क्या ये विशेषकर सुला के लिए लागू हुआ है या बाकी ब्लॉकों में भी लागू होगा? और दूसरा, अगर उदयपुर चिंतन की बात हो रही है, उदयपुर चिंतन में एक बात और कही गई थी और वो बहुत अहम बात है, अखबारों में छपी, मीडिया में आई, कि जो भी पूर्व में विधायक रहे हैं, 2 या 2 बार से अधिक हारे हैं और 5,000 या 8,000 से ऊपर मतों से हारे हैं,
तो उनको टिकट अप्लाई ना करें, वो लोग खुद ही टिकट अप्लाई ना करें, और अगर करते हैं तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। मेरा हाईकमान से और ऐसे नेताओं से इस वक्त अनुरोध रहेगा, और जैसे मैंने इसको स्वीकार किया है वैसे उनको स्वीकार करना चाहिए उदयपुर चिंतन का फैसला। दूसरी बात आपने कही कि मनमुटाव की बात, ये वैसे सवाल मेरा नहीं है, ये जगजीत पाल की तरफ से स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल में आप उनसे पूछें तो बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी मैं इस शब्द मनमुटाव शब्द को से मैं सहमत नहीं हूँ। इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी राजनीतिक फैसले होते हैं उसमें सहमति या असहमति, क्योंकि अगर मनमुटाव की बात होती तो एक कुछ समय पहले थप्पड़ कांड हुआ था, अखबारों में छपा था, जब उस वक्त वो उसी जगह पर धरने पर बैठे थे, अरुण कुमार ब्लॉक प्रेसिडेंट की ऐसे से वहां हाजिर था। उसके बाद एक बवारना में बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसमें अग्निहोत्री जी और स्टेट प्रेसिडेंट सारे लोग आए थे, पूरा उस रैली का प्रबंध मैंने किया था। इसके अलावा एक बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तर में, हालांकि वो लड़की हमारी कंस्टिट्यूएंट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो धरने पर बैठे, मैं वहां पर साफ था। अगर मैं हर जगह साफ रहा हूँ, हालांकि उसमें मतभेद रहे हैं, मैं कई जगह सहमत रहा कई जगह नहीं सहमत रहा, लेकिन अगर इसको मतभेद कहते हैं तो मेरी तरफ से ये मतभेद नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो प्रदेश हाईकमान की तरफ से मेरे को जो आदेश आते थे, 19 नवंबर 2021 को मेंबरशिप ड्राइव शुरू हुई थी, और शिमला में उस मेंबरशिप ड्राइव के अंदर जो हमारे आदरणीय राजीव शुक्ला जी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, उस मेंबरशिप ड्राइव को वहाँ से उन्होंने लॉन्च किया था। उस लॉन्चिंग के दौरान बहुत बड़ा भाषण में उन्होंने कहा कि जितने बड़े नेता हैं वो बेशक प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों ना हो, उनको भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाकर के मेंबरशिप ड्राइव को पूरा करना और उसमें काम करना है। और ब्लॉक प्रेजिडेंट का काम है कि जितने भी, चाहे वो ब्लॉक स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, राज्य स्तर के जितने भी नेता हैं, उनको साथ में लेकर के उसके ऊपर काम करना है। मैंने आकर के उसके ऊपर काम किया, उसका फर्क यह रहा कि कुछ लोग जो साथ चले, शायद उस मनमुटाव को वो नहीं ये चाह रहे थे कि वो लोग भी साथ चले, तो शायद वही एक वजह रही होगी जिसको वो मनमुटाव कह रहे हैं। लेकिन मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो राजनीतिक फैसले हमने लिए हैं इसकी सहमति या असहमति हो सकती है, मेरी तरफ से मनमुटाव। राणा जी, एक चर्चा है सुलह से संबंधित भाजपा के नेता के कांग्रेस जा रहे हैं, अगर कल को ऐसा कुछ होता है तो क्या बंडल या सुलह? ऐसी बात है कि आपकी ऐसा है कि इस वक्त तो ये वर्किंग कमेटी निवर्तमान है, लेकिन तकरीबन पूरा है, लेकिन हमने शुरू से ही, जब चाहे मेंबरशिप की बात हो, बूथ कमेटी की बात हो, या जो हमने हर जगह जाकर जो मीटिंग की है, उस मीटिंग में हमने यही कहा है कि जिस आदमी को हाईकमान टिकट देगी, जिसके पास कांग्रेस के हाथ का निशान होगा, उस वक्त का भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हम उसके साथ चलेंगे। इस वक्त भी अगर हम निवर्तमान है लेकिन कांग्रेस के अभी तक हम सदस्य हैं, तो अगर सीधी सी बात है कि जो आज भी हमारी स्टेटमेंट हुई है, जो कांग्रेस पार्टी का टिकट लेके आएगा हम उसके साथ चलेंगे। आप में से कोई दावेदारी करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये पहले भी बातें उठी है, अगर स्पेशली अगर ये सवाल आपका मेरे लिए है, तो मेरे जो साथी हैं, बाकी लोग जो हैं कार्यकर्ता हैं, वो समय समय पर मेरे को फोन के माध्यम से, या उन्होंने मेरे को अलग से घर में आकर के भी ये बोला कि आप दावेदारी क्यों नहीं करते हैं। लेकिन मेरा उस वक्त तक, हर वक्त तक यही जवाब था कि जब तक मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रधान हूँ, मेरा काम है इलेक्शन लड़वाना, मेरा काम इलेक्शन लड़ना नहीं है। आज स्थितियां बदल गई हैं, कल को क्या होता है वो अलग बात। अगर 16 कांग्रेस कमेटी पुनः बहाल नहीं होती तो आपका अगला फैसला क्या होगा? जो भी कमेटी बनेगी, अगला फैसला ये है अभी तक कि हमने बालकृष्ण कपूर जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है हाईकमान को पुनर्विचार करने के लिए, लेकिन अगर पुनर्विचार नहीं होता है तो आगे उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अगर इसमें हमारा ये अनुरोध है, पूर्ण विश्वास है कि जन भावनाओं के अनुरूप जो है वो पार्टी हाईकमान फैसला देगा। अगर किसी एक दो चार लोगों ने गलत फीडबैक दी है तो उसको सही करेगा, उसके बाद हम अपनी, अगर फिर भी कोई नहीं होता तो अपनी मीटिंग करेंगे, सभी लोग बैठ करके मीटिंग करेंगे, जो फैसला सारी लेंगे,
जो सामूहिक फैसला, इसमें व्यक्तिगत फैसला नहीं होगा, सामूहिक फैसला होगा, क्योंकि अरुण राणा या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अकेली नहीं है, हमारे साथ हजारों लोग सुलह के जो है उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, हम उन भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे, जो भी फैसला होगा उन लोगों के साथ मिल बैठ करके, इकट्ठा बैठ करके एक बड़े समूह में, और आप सभी को हम उसमें आमंत्रित करेंगे, और जो भी वहां पर हम पांच लोग जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी एक पांच परमेश्वर बनाएंगे, उनकी अध्यक्षता में वहां पर एक गठित करेंगे, और वो जो फैसला देंगे उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। अभी तक हम कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, और कांग्रेस के लिए हम कांग्रेस के भले के लिए। जब तक नई कमेटी का गठन, अभी नई कमेटी का गठन तो हुआ ही नहीं है, अभी तो सिर्फ भंग हुई है, कमेटी भंग हुई है, कहते नाम चला गया, आने वाला नाम नहीं, नहीं आ जाएगा तब उसके बाद करेंगे, उसके बाद अभी उसमें कोई नहीं है, नया नाम आ जाता है तो उसके बाद फिर मीटिंग करेंगे, उसके बाद कर, उसके बाद हम अपनी जाएंगे, क्योंकि अभी तो पार्टी एक्ट माने ऐसा कुछ नहीं किया, अभी तो यही आ रहा है कि आ रहे हैं। आप मानते हैं सर कि इस चुनाव में कांग्रेस ये सिर्फ हमारा नहीं, इससे पहले जितने भी आपने जो इस वक्त टिकट के दावेदारी कर रहे हैं उन लोगों की आपने स्टेटमेंट ली, अखबारों में छपा हुआ है, सभी ने एक मत में, सिर्फ किसी एक ने नहीं बोला हो तो मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ, बाकी सभी लोगों ने ये बोला है कि इससे पार्टी को नुकसान होगा और पार्टी कमजोर होगी। चार लोगों का जो बयान थे वो लगभग आपके फेवर में थे, एक व्यक्ति जगजीवन पाल जी का बयान जो था वो सिर्फ उदयपुर चिंतन शिविर तक सीमित रहा, बिल्कुल तो मानते हैं कि चार लोग आपके साथ हैं जो और दावेदारी कर रहे हैं। इस वक्त किसी को साथ लेने या किसी को छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन अगर इतना मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर फैसले चिंतन शिविर के हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं तो चिंतन शिविर के जितने भी फैसले हैं वो उनको अमल में लाया जाए, मैं ये कहना चाहूंगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर चिंतन शिविर में ये फैसला है, मैं बिल्कुल ओवरऑल कर रहा हूँ कि अगर चिंतन शिविर में AIC सेक्टर वहाँ गए हुए थे, पूरे हमारे जो दिल्ली में अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जितने स्टेट में थे सारे वहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो फैसला ये है कि 5 साल से ऊपर, हालांकि मेरा कार्यकाल जो है वो दोबारा 2020 से शुरू हुआ है, मेरा 5 साल का नहीं है, अगर पिछला जोड़ते हैं तो भी 8 साल का बनता है, लेकिन इससे ज्यादा लोग भी, इससे लंबे समय से भी इस वक्त जो प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे को बिल्कुल मंजूर है, मैं कह रहा हूं और मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, अगर उदयपुर चिंतन की बात कर रहे हैं तो उदयपुर चिंतन के जो बाकी फैसले हैं उनको भी अमल में लाना चाहिए, मेरा ये भी सुझाव रहेगा सभी नेताओं के। अरुण जी, ऐसा है क्या कुछ समय से जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी या जो कोई नेता है सुलह में उनकी तरफ ज्यादा झुकाव था, और जो पहले चुनाव लड़ा है जो आपके पहले कांग्रेस नेता थे जिगन पाल, उनकी तरफ कमेटी साथ नहीं दे रही थी, आखिर यही कारण माना जाए कि आपकी कमेटी भंग हुई? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि हमने किसी भी नेता को अलग किया गया है, मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें सभी नेताओं को हम शामिल किया हुआ, वर्किंग कमेटी पूरी उसमें शामिल है, जो भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें मैसेज डाला जाता था, और हर आदमी, और ऐसी बात भी नहीं है कि उन नेताओं को, अगर हमारी मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत जो वो स्लो से हुई थी, और मेरे ख्याल में ये 4 या 5 दिसंबर की बात है, और वहाँ से लेकर के वो जगजीवपाल जी स्लो में भी आए थे, थुरल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ वहाँ भी आए थे, जूहू में प्रोग्राम हुआ था वहाँ आए थे, मैंजा में प्रोग्राम था वहाँ आए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है उन्होंने उससे, अगर प्रोग्रामों को छोड़ दिया, सिर्फ कॉन्फ्रेंसिस की बात की जाए, साल दो साल पुरानी सुलह की, तो उसमें जगन पाल आपके साथ कभी देखे नहीं गए, जब वो आते थे कॉन्फ्रेंस अलग करते थे, आप सुलह किसी और नेताओं के साथ आते थे? मैंने अपनी तरफ से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी तरफ से, इससे पहले जिस भी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसने भी मेरे को फोन करके या पर्सनली बता करके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां आना है, मैं आया हूँ, जहाँ मेरे को न्योता नहीं मिला तो मेरे को पता ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है तो मैं वहाँ कैसे पहुंच गया। सैनी जी, आप सुलह खान से बहुत पुराने वर्कर हैं। मैं सुलह का रहने वाला जरूर हूँ, अब मैं इंटेका हूँ देदार हूँ स्टेट इन पे, वो अलग बात है कार्यकारिणी की, जब उनसे मेरा कोई ऐसा नहीं है, एक अगर साथ हर आदमी के साथ चलता हूँ, मेरा तो ये विचार है और पहले भी था कि हमने ये कहा था कि मैं कैंडिडेट हो गया 10 इकट्ठे चलो लोगों का, और ये विचार था हमारा कि इकट्ठे चलो, और एक फैसला लिया था हमने कि उनको कह दो कि जिसको टिकट मिलेगा सब इकट्ठे होकर चलेंगे, अब वो तो लीडरों ने सोचना है, मेरा तो यही विचार था, आज भी यही विचार है, इकट्ठे होकर चले, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ चलेंगे। कार्यकारिणी बनती है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कार्यकारिणी इस तारीख जो है
बहुत नुकसानदायक है। ये दो महीने या तीन महीने पहले हो जाती, क्योंकि नहीं आएगी तो कब वो लोग बूथों पर जाएंगे, कब वो बनाएंगे, मतलब ये तो गलत किया।